भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और नए फिनिशर रिंकू सिंह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन दोनों ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। रोहित शर्मा ने जहां तूफानी शतक ठोका तो वहीं रिंकू सिंह ने भी अपनी आक्रामक अर्धशतकीय पारी से कोहराम मचा दिया। दोनों ने मिलकर एक नहीं बल्कि कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हाँ, जहां एक तरफ इनकी बल्लेबाजी चर्चा में थी तो वहीं दूसरी तरफ मैच में दो सुपर ओवर हुए जिसकी वजह से मैच काफी ज्यादा चर्चा में बन गया। रोहित शर्मा भारत की ओर से बतौर कप्तान T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके नाम 1647 रन है, विराट कोहली के नाम 1570 रन, जबकि MS धोनी के नाम 1112 रन है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने T20I में किसी कप्तान द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन का रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित शर्मा ने T20 में 87 छक्के जबकि मॉर्गन के नाम 86 छक्के हैं। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी अब रोहित शर्मा के नाम हो गया है। रोहित ने सबसे ज्यादा 4-5 शतक ठोके हैं। इसके ठीक पीछे 4-4 शतक के साथ सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल हैं। भारत के लिए T20 में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर नाबाद 126 रन शुभमन गिल के हैं। हालांकि इस लिस्ट के चौथे नंबर पर अब नाबाद 121 रन के स्कोर के साथ रोहित शर्मा भी आ गए। आपको बता दें कि मैच में एक समय ऐसा था कि भारत के 22 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद रोहित और रिंकू ने मोर्चा संभाला और कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। दोनों मिलकर भारत के स्कोर को 212 रन तक ले गए। 25 रन या उससे नीचे के स्कोर पर 4 आउट होने के बाद यह किसी भी टीम द्वारा अब सबसे बड़ा स्कोर बन गया है। रोहित शर्मा और रिंकू सिंह के बीच 190 रन की जबरदस्त साझेदारी हुई। ये भारत की ओर से T20 में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी रही है। यही नहीं, इस रिकॉर्ड की तो चर्चा चारों तरफ हो ही रही है, लेकिन जिस तरीके से रिंकू सिंह और रोहित शर्मा ने आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करी थी उसकी भी चर्चा हर तरफ हो रही है। क्योंकि रिंकू और रोहित ने आखिरी के 5 ओवरों में दोनों ने मिलकर 103 रन कूटे। जी हाँ, विश्वास नहीं होता, लेकिन आखिरी के 5 ओवर यानी 30 गेंदों में 103 रन कूटे। ये अपने आप में ही जादुई बल्लेबाजी थी जिसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। रोहित शर्मा और रिंकू सिंह की जोड़ी ने 20वें ओवर में 36 रन बटोरे। करीम जन्नत के ओवर का आगाज रोहित ने चौके के साथ किया। ओवर की दूसरी बॉल करीम ने नो बॉल फेंकी जिसको रोहित ने मैदान के बाहर पहुंचा दिया। इसके बाद फ्री हिट थी, यानी कि अभी तक एक ही गेंद हुई थी जिस पर छक्का चौका और एक नो बॉल यानी कि 11 रन आ चुके थे। इसके बाद फ्री हिट पर भी रोहित ने छक्का जमाया। ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया। फिर इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी एक हाथ से खेला और गेंद को हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए भेज दिया। करीम के हाथ से निकली 5वीं गेंद को भी रिंकू ने डायरेक्ट बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया। ओवर की लास्ट बॉल पर भी रिंकू ने 6 जड़ते हुए ओवर से कुल 36 रन बटोरे। ये बहुत ही बड़ी साझेदारी साबित रही। 2 सुपर ओवर इस मैच में देखने को मिले कि 212 बनाए थे टीम इंडिया ने, 212 पर ही अफगानिस्तान की टीम की भी गाड़ी आकर रुकी। फिर उसके बाद सुपर ओवर में अफगानिस्तान की टीम ने 17 रन बनाए जहां पर रोहित शर्मा ने आकर फिर छक्के लगाए। टीम को किसी तरीके से आगे तक लेके जा ही रहे थे, लेकिन आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए था। जायसवाल स्ट्राइक पर थे, रोहित मैदान के बाहर जा चुके थे, रिंकू रनिंग के लिए आए थे सिर्फ, लेकिन तब सिंगल ले पाए। फिर सुपर ओवर हुआ, फिर सुपर ओवर में आकर रोहित ने पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका, फिर सिंगल लिया, फिर उसके बाद आउट हो गए रिंकू और यहां पर उनके साथी खिलाड़ी, जिसकी वजह से संजू सैमसन उसके बाद 11 रन ही भारतीय टीम ने दूसरे सुपर ओवर में बनाए। फिर यहां पर अफगानिस्तान की टीम बल्लेबाजी तो करने आई, लेकिन रवि बिश्नोई ने 2 विकेट चटका दिए थे इस ओवर में, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने मुकाबला अपने नाम कर लिया।